स्वागत है जिन साहब आपका, बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने और क्यों? बिल्कुल, एक बेहतरीन कंपनी है प्लास्टी ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड, इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है कलर और एडिटिव मास्टर बैचेस बनाने की, और थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड्स बनाते हैं लोग प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, और सबसे बढ़िया बात है 1991 से कार्यरत है, बहुत ही क्वालिटी मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया से इन्होंने ग्रोथ को मैनेज किया है और बहुत अवार्ड्स विनिंग कंपनी है ये। इनफैक्ट जो हाईएस्ट रिकॉग्निशन होता है एक्सपोर्ट्स का भारत सरकार देती है, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मास्टर बैचेस 8 साल तक कंटिन्यूअसली जीते हुए हैं। फिर इनको प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन जो कि एक बहुत बड़ा प्लास्टिक रिलेटेड जो एक एग्जीबिशन होता है वहां पे इनको फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्राइज का अवार्ड भी मिला हुआ है। सो ओवरऑल काफी क्रेडिबल कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। अब हम फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं, तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इन्होंने पिछले 1 साल में डेट्स को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, सिर्फ 3 करोड़ का डेट्स है बुक्स में। सो डेट्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट था इस कोरोना काल में, और ग्रोथ को भी अब बढ़िया से मैनेज करना, और इनफैक्ट जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, इस स्टॉक को लेने का रीजन ये है कि अब मैं स्टार्ट कर दिया हूं दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखना, पहले सितंबर टू सितंबर देखते थे, और अब दिसंबर में भी अगर टॉप लाइन बढ़ के आती है और बॉटम लाइन बढ़ के आती है, जो कि बेहतरीन क्वार्टर था दिसंबर वाला, 11 करोड़ का पैट इन्होंने दिखाया है, और सितंबर में 8 करोड़ का, जून में 6 करोड़ और 5 करोड़ उसके सामने 11 करोड़ का सितंबर दिसंबर 20 में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स में मानूंगा, और पिछले दिसंबर में भी हालांकि उनका 19 करोड़ था। सो ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत बढ़िया, डिविडेंड यील्ड करीब 1.5% के लगभग है, डिविडेंड का पेआउट रेशियो हमेशा से कंपनी में बहुत बढ़िया रहा है। फिर प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, FIIs, DIIs भी मतलब 3-4% की स्टेक इसमें होल्ड करते हैं, और प्रोमोटर्स की करीब 64% जो अगेन बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, और पिछले 7 साल की प्रॉफिट की कैगर 13-14% के लगभग है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 16% के लगभग है। तो ये सब फंडामेंटल्स वाली कंपनी में सबसे बढ़िया बात है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ आ रही है, कंटिन्यूअसली बैलेंस शीट को ये लोग और बेहतर बना रहे हैं, और लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया का, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, तो ऐसी कंपनी 650 करोड़ में मुझे बहुत सस्ती लगती है, बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए, और यहां से मुझे आराम से लगता है कि ये स्टॉक करीब 290-300 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। ओके, तो 290-300 के टारगेट्स के लिए पसंद आ रहा है जैन साहब को। प्लास्टी बैंड्स यहां पर रखें नजर, फिलहाल स्टॉक भी तेजी में बना हुआ है।